आपले मुंबईत आपलं पुन्हा एकदा स्वागत। प्रसिद्ध शिल्पकार मुकेश मेहता यांनी मुंबईतल्या धारावी झोपडपट्टीचा विकास करण्यासाठी एक योजना तयार केली असून ही योजना राज्य सरकारनं तत्वतः मान्य केली असल्याचं मेहता यांनी ईटीव्हीशी बोलताना सांगितलंय। ही योजना म्हणजे केवळ धारावी झोपडपट्टीचाच नाही तर संपूर्ण जगातल्या विकसनशील आणि गरीब देशांमधल्या गलिच्छ वस्त्यांचं संपूर्ण उच्चाटन करून त्यांचा सुनियोजित विकास करण्याचा योग्य आणि अचूक मार्ग असल्याचा दावा मेहता यांनी केलाय। धारावी विभागाचा कायापालट करण्यासाठी निर्माण केलेली शिल्पकार मुकेश मेहता यांची योजना ही पूर्णतः खाजगी विकासकांच्या माध्यमातून साकारण्यात येणार आहे। धारावीतल्या प्रत्येक कुटुंबाला मोफत घर देणं या तत्वाभोवती ही योजना फिरणार नसून या योजनेअंतर्गत या रहिवाशांना आरोग्य, मिळकतीची साधनं, शिक्षण, आरोग्यदायक वातावरण आणि त्यांचा सामाजिक आणि सांस्कृतिक विकास या साधन सुविधा आणि पायाभूत सोयी सुविधांचा विचार करण्यात येणार आहे। हेल्थ, इनकम, नॉलेज, एनवायरमेंट और सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट, ये सभी चीज का अगर उनको इंफ्रास्ट्रक्चर मिले तो ही उनका पूरा डेवलपमेंट हो सकता है और उनके बच्चों का, उनके फैमिली का वो डेवलपमेंट हो सकता है। तो हमारी ये कोशिश है कि अगर धारावी जैसे बड़े एरियाज को लो और वो जो पूरा ही सबर्ब ही स्लम है, जैसे धारावी है, एंटॉप हिल है, वैसी सब जगह उनको लेके पूरा ही सबर्ब रीडिजाइन करें और उनको ये सब फैसिलिटीज दे साथ साथ में डेवलपमेंट के साथ, तो मिडिल इनकम कम्युनिटी बन जाती है। या योजनेअंतर्गत धारावीतल्या लघु उद्योगांची परंपरा लक्षात घेऊन हा विभाग बळकट आर्थिक शक्ती निर्माण करणारं एक औद्योगिक क्षेत्र म्हणून निर्माण होऊ शकणार आहे। स्लम ड्वेलर्स यहाँ मुफत के घर लेने के लिए नहीं आए हैं, ये यहाँ कमाने के लिए आए हैं। और इसके लिए हमने क्या किया है कि जो जो अलग अलग सेक्टर्स है, अलग अलग इश्यूज है, जैसे वहाँ बहुत ही अच्छी लेदर इंडस्ट्री चल रही है, वहाँ बहुत ही अच्छे गारमेंट इंडस्ट्री चल रही है, प्लास्टिक रिसाइकलिंग इंडस्ट्री चल रही है, अच्छा बहुत ही अच्छा कुंभारवाड़ा है, तो ये सब सब अलग अलग लोगों को आज क्या है कि उनकी खुद की इंटेलिजेंस, खुद के लिमिटेड रिसोर्स से वो लोग आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बदले हम उस तरह से उनको इंफ्रास्ट्रक्चर दे और ट्रेनिंग का भी इंफ्रास्ट्रक्चर दे ताकि मल्टीनेशनल के साथ मल्टीनेशनल की क्वालिटी का माल बना के मल्टीनेशनल के साथ भी कम्पीट कर सके और आगे बढ़ सके। मेहता यांच्या या योजनेला सरकारचा पाठिंबा मिळालाय, शिवाय सर्व राजकीय पक्षांनी या योजनेला पाठिंबा द्यायचं ठरवलं असल्याचं मेहता यांनी म्हटलंय। विशेष म्हणजे मेहता यांना या योजनेसाठी शासनाकडून आर्थिक मदतीची अपेक्षा नाही, किंबहुना पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या झोपडपट्टी मुक्त मुंबई या घोषणेचं त्यांची योजना हे प्रतिबिंब असल्याचं मानतात। आपली मुंबई, नेपियन्सी रोड। या होत्या मुंबईतल्या घडामोडी, पुन्हा भेटूया काही क्षणातच वृत्तवेध मध्ये। सागरसह नमस्कार।